गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि देखिए, ये जो मैं लाइट और इलेक्ट्रिसिटी मिलाकर आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो इस ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो काइंडली इसको ऑनेस्टली कीजिए, इसको ऑनेस्टली सबमिट कीजिए। ट्राई टू सॉल्व इट द असाइनमेंट योर सेल्फ। तो इस असाइनमेंट को जो मैं मिलाकर कंबाइंड भेज रहा हूँ, तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप अपने पिछले वाले सिलेबस को भी रिवाइज कर सकते हो इस चीज़ के साथ साथ। इसलिए मैं थोड़े बहुत एक आधा कुछ क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रिसिटी के भेज रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन साथ में लाइट के मिक्सअप करके भेज रहा हूँ। सो ट्राई टू एनालाइज योर मेमोरी एंड योर नॉलेज कि आपने लेक्चर से क्या सीखा, कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। ठीक है, वही स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स को। तो क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्टेन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाई ए ग्लास प्रिज्म ऑफ डिस्पर्सिव पावर 0.031, इट वॉज फाउंड दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट विल बी 1.645 एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट विल बी 1.665। फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर द येलो कलर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन है इन ए सर्टेन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लास प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, इन ए सर्टेन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय a glass prism, by a glass prism of dispersive power, 0.031। क्या है, इन ए सर्टेन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाई ए ग्लास प्रिज्म ऑफ डिस्पर्सिव पावर 0.031 फुल कॉमा, इट इज फाउंड दैट म्यू आर मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज 1.645, इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट इज 1.665। सो व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भले स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, येलो कलर का क्या निकालना है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है। एंड यू नो दैट येलो कलर इज द मीन कलर इन द स्पेक्ट्रम, एंड मीन्स यू क्या निकालना है, आपको मीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है। अगर आप येलो कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द मीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द येलो कलर। तो मीन्स क्या निकालना है, गिवन लिख लेते पहले, यहां पर क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, यहां पर म्यू आर कितना है 1.645, म्यू वी 1.665, हमें निकालना है म्यू येलो। जल्दी इसको हम म्यू से लिखते हैं, तो मीन्स हमें पता है कि मीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विल बी गिवन बाय म्यू आर प्लस म्यू वी बाय 2। तो कितना है 1.645 प्लस 1.665 डिवाइड बाय 2, दैट इज कितना आएगा 550
दस रे 11, 6 और 6 12 और 1 13 और 1 और 1 2 और 1 3 कितना आ गया, ये आ गया। तो कितना आ गया 1.26 12, 2 5 10, 2 5 10। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर क्या आ गया, वन पॉइंट सिक्स फाइव फाइव आ गया। तो लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डिस्पर्सिव पावर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्पर्सिव पावर भी है, इट मींस हमें पता है कि एंगुल डिस्पर्सिव पावर जो होती है वो एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड बाय म्यू होती है, ठीक है। तो अब देखिए, यहां तो मैंने डायरेक्टली निकाल दिया क्योंकि तो मुझे पता है कि मीन कलर ये होता है, लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए एक तरीके का ये हो गया, हम यही गलती करते हैं। तुम्हें क्या गिवन है, तो वो तो लिखा ही है हमने, डिस्पर्सिव पावर गिवन बाय ओमेगा 0.031, ठीक। तो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्शन डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन, तो ओमेगा विल बी कॉल थीटा कितना है, थीटा विल बी डेल वी माइनस आर इनटू सॉरी दिस इज योर डेल, ठीक है। तो ये होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए एंड डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, तो म्यू माइनस वन इंटू ए तो क्या आ गया, ओमेगा विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओमेगा विल बी इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू माइनस वन, ठीक है। तो ये कितना है 0.031 एंड इट इज 1.665 माइनस 1.645 डिवाइड बाय म्यू माइनस वन, तो कितना आ गया 0.031 म्यू माइनस वन। क्या करते हैं इसको 0.031 म्यू माइनस 0.031 इज इक्वल टू 0.020, तो 0.031 म्यू इज इक्वल टू 0.020 प्लस 0.031। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन करते हैं, कितना आ जाएगा 0.031 म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.051, म्यू विल बी इक्वल टू 0.051 डिवाइड बाय 0.031, डिवाइड कर लेते हैं 31 31 31 बन जा 31 20 31 6 36 6 4 8 40 सो 31 7 3 नहीं 6 बिल गया 5 3 4 4 सो क्या आ गया म्यू, म्यू इज इक्वल टू 1.64 आ गया। तो म्यू कितना आ गया, म्यू हमारा आ गया 1.64। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में आपको डिस्पर्सिव पावर दिया हुआ है, आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट दिया हुआ है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट दिया हुआ है, और आपको निकालना है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर। और देखो जैसे कि हमें पता लग रहा है कि जल्दी उससे क्या करते हैं गलती,
कि अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, म्यू आर दिया हुआ है, म्यू भी दिया हुआ है, इट मीन्स येलो कलर क्या होता है, मीन कलर, तो ठीक है म्यू क्या बनेगा, म्यू आर प्लस म्यू वी बाई टू निकाल देते हैं, तो वो चीज गलत है क्योंकि हमें डिस्पर्सिव पावर भी यूज करना है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन दैट इज थीटा डिवाइड बाई मीन डेविएशन। तो ये कैसे लिखा हमने, थीटा क्या होता है, डेल बी माइनस डेल आर, और ये क्या होता है डेल्टा, डेल्टा फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। तो अगर इसकी लिखें तो क्या बनेगा, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए आ जाएगा सो करके, ए से एक आंसर, तो कि ओमेगा क्या आ गया, म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइड बाई म्यू माइनस वन, सो ओमेगा की वैल्यू में दी हुई है, सोल्व किया हमने सब कुछ, तो म्यू कितना आ गया 1.64 इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज द मेथड टू फाइंड द मीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर द येलो कलर। तो यहां पर हम इस तरह से निकालेंगे क्योंकि हमें डिस्पर्सिव पावर भी दी हुई है, वरना बच्चे क्या गलती करते हैं कि इन दोनों को ऐड किया, दो से भाग किया, येलो कलर का आ गया, क्योंकि येलो कलर क्या है, मीन कलर है नहीं। तो यहां पे हमें क्या करना है, एंगल डिस्पर्सिव पावर को यूज करके हमें येलो कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। वह देख लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म एट 40 डिग्री एंड इमर्जेस फ्रॉम द अदर फेस एट सेम एंगल, द डेविएशन सफर्ड निकालना है। तो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ 40 डिग्री एंड इमर्जेस फ्रॉम द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म एट द सेम एंगल। सेम एंगल, सो फाइंड द डेविएशन सफर्ड बाय द रे, फाइंड डेविएशन सफर्ड बाय द रे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, मीन्स क्या है, ये प्रिज्म है, तो ये एंगल आई वन है, इसको आई मान लेते हैं, ठीक। तो ये लाइट रे ऐसे गई, दिस इज योर ई। क्या कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट एक प्रिज्म के एक फेस पे, तो प्रिज्म कैसा है, इक्विलेटरल, इट मींस एंगल ए इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब ये है कि ट्राइंगल आपका, मिस प्रिज्म आपका इक्विलेटरल है, तीनों साइड सेम है, इट मींस ए क्या होगा, एंगल प्रिज्म विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए 60 डिग्री है, और क्या कह रहा है कि लाइट इस तरह से गिर रही है एक फेस पे कि इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंस एंगल दोनों ही 40 डिग्री है। तो क्या है,
आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक, तो अगर आई इज इक्वल टू ई होता है तो हमें पता है कि क्या आता है हमारा, हमारी कंडीशन आती है कि डेल्टा विल बी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ये कंडीशन आती है हमारे पास, अगर इंसिडेंट एंगल इमरजेंस एंगल के इक्वल हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि डेविएशन विल बी इक्वल टू इंसिडेंस एंगल प्लस इमरजेंस एंगल माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। सो हाउ विल सॉल्व इट, आई इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो डेल्टा कितना आ गया, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा हमारा 20 डिग्री आ जाएगा। सो इन दिस वे द डेविएशन सफर्ड बाय द रे विल बी 20 डिग्री। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, डेल्टा कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए थिन ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 प्रोड्यूसेस अ डेविएशन ऑफ 4 डिग्री, मींस डेल्टा आपका 4 डिग्री है और म्यू आपका 1.5 है और रे मींस आई एंगल क्या है स्मॉल है। व्हाट विल बी द डेविएशन ऑफ सेम इंसिडेंट रे बाय द सेम प्रिज्म इफ इट इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रफनेस 4/3। ओके, क्वेश्चन है हमारा ए थिन ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, थिन ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 प्रोड्यूसेस अ डेविएशन ऑफ 4 डिग्री फॉर ए रे incident at small length, full stop. What will be the deviation of the same incident ray by the same prism if it is immersed in water of refractive index 4/3? क्या पूछ रहा है? What will be the deviation of same prism if it is immersed in
इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोर बाई थ्री. लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. तो देखिए इस क्वेश्चन में एक हमारे पास थिन ग्लास प्रिज्म दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5. तो इनिशियली क्या है, म्यू हमें दिया हुआ है 1.5. ठीक है, प्रोड्यूस द डेविएशन ऑफ 4 डिग्री, डेल्टा इज 4 डिग्री फॉर ए रे इंसिडेंट एट स्मॉल एंगल. तो हमें निकालना है, तो म्यू दे रखा है हमें 1.5. इट मीन्स ये ग्लास प्रिज्म का है, इट मीन्स ये क्या है, ये ए म्यू जी है, ये ए म्यू जी है. ठीक है, तो ए म्यू जी दे रखा है और ए म्यू डब्ल्यू क्या है, इट इज 4/3. इसको लिख सकते हैं 3/2. ठीक है, ए म्यू जी दे रखा है, ए म्यू डब्ल्यू दे रखा है, तो इन दोनों से म्यू निकाल लेंगे हम. ठीक है, जो तो डेल्टा 4 डिग्री दे रखा है, तो हमारे पास फॉर्मूला है. और देखिए इससे पहले ठीक है, तो क्यों ना हम एंगल ए निकाल लें. तो देखिए म्यू, म्यू क्या होता है, ए म्यू जी डिवाइड बाय ए म्यू डब्ल्यू. ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2/4/3. इट मीन्स इट विल बी ए म्यू जी जी बाय ए डब्ल्यू बाय ए. ठीक है, 4/3. ठीक, तो ये बन जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, इट मीन्स 9/8. म्यू कितना आ गया, 9/8 आ गया. ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला हमारे पास, ये म्यू निकाल लिया हमने, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू. जी देखिए क्या है, हमारे पास ग्लास का प्रिज्म है, तो ग्लास का म्यू कितना है, ये है. तो इन दोनों केस को लेते हैं, क्या बनेगा, म्यू विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस इट विल बी डेल एम बाई टू डिवाइड बाय साइन ए बाई टू. तो म्यू मेरे पास दिया हुआ कितना है, 3/2, इसको हम लिख लेते हैं, इन टू साइन ए बाई टू, और यहां पे कितना है, साइन ए प्लस 4 डिग्री/2. सोल्व कर लेते हैं इसको, कितना बनेगा, 1.5 इंटू साइन ए बाई टू साइन ऑफ ए बाई टू प्लस इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि म्यू जो है वो हमारा एक ग्लास वाला है. मीन्स पहले केस में हम इस डेल एम को यूज करके, इस म्यू को यूज करके हम ए निकाल सकते हैं. वो जो ए आएगा उस ए को यूज करके और इसको यूज करके हम डेल निकाल सकते हैं. तो देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू. म्यू 1.5 है इंटू साइन ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम कितना है, 4 डिग्री है, 4/2 2 a/2. ठीक, तो अब इसको देखते हैं कैसे करना है. ये हो जाएगा, साइन ऑफ ए बाई टू. ठीक है, इज इक्वल टू साइन ऑफ ए बाई टू प्लस 2 डिग्री 1.5. ठीक है,
तो यहां से एक ऐसे निकालेंगे, देखते हैं। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए ए की वैल्यू अगर यहां पर 30 हो जाए, 60 कर दें तो कितना बनेगा, 30 इज 1/2.5 प्लस 2 1 बन जाएगा, नहीं बनेगी बात। तो ये बनेगा 60/2 = 30 प्लस 2 32 डिग्री, तो 30 की वैल्यू 0.5 होती है तो 32 डिग्री, 32 क्या बनेगी देखते हैं अभी। अब ए की वैल्यू अगर 60 है तो 30 कितना बनेगा 0.5, तो 0.5 का मतलब हुआ तो ठीक है क्योंकि 1.5 ये है, तो ए की वैल्यू कितनी है, तो मींस अगर मैं मान रहा हूं कि ए की वैल्यू 60 डिग्री होती तो ये कितना बनेगा साइन 30, 30 वैल्यू 1.5, और ये कितना बनेगा साइन ऑफ ए का 60 मींस 30 प्लस 2 साइन 30 प्लस 2 ठीक। तो अब इस क्वेश्चन में क्या था, ग्लास का इफेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और डेलम दिया हुआ है, तो पहले मैं इस ग्लास के इफेक्टिव इंडेक्स और इस डेलम से ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं क्या निकालूंगा। देखिए ए मुझे निकालना है, डेलम दिया हुआ है, ए म्यू जी ये हो जाएगा, तो म्यू क्या है 1.5 साइन ए बाय 2 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेलम इज 4 डिग्री बाय 2, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, तो साइन ए बाय 2 प्लस 2 डिग्री, और ये क्या है 5.5 sin a/2। तो यहां पर हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपको अपनी मैथमेटिक्स स्किल यूज करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वो जो a की वैल्यू यहां से आएगी उस a की वैल्यू को और a mu w को यूज करके हम क्या निकालेंगे, हम डेलम निकालेंगे। तो जो a होगा वो ये वाला होगा और mu होगा ये वाला होगा, फॉर्मूला वही यही रहेगा। तो a यहां से a ये वाला यूज करेंगे, ये वाला डेलम निकालना है हमें, और म्यू कौन सा है ये वाला, और ए हमें ये वाला यूज करना है। तो बाय यूजिंग दीज क्वेश्चन, तो हम इसमें क्या था, ग्लास प्रिज्म का दे रखा है और वाटर का दे रखा है, तो ग्लास का हमने इंडेक्स यूज किया और हमें एंगल प्रिज्म निकालना है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म निकाला पहले हमने कि किस तरह से म्यू को यूज करके ग्लास के और डेलम को यूज करके, यूजिंग फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेलम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। तो a मुझे निकालना है, डेलम मुझे पता है, म्यू मुझे पता है, ठीक है। यहां से जो a निकालेंगे उस a की वैल्यू को यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स ऑफ वाटर, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, डेलम। तो डेलम हम निकालेंगे, तो मींस यहां पे हमारे पास टू स्टेप क्वेश्चन था, दोनों स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एंड वी विल फाइंड द डेलम डेविएशन ऑफ द सेम प्रिज्म इफ इट इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, सो इन दिस वे वी विल फाइंड the deviation angle of same prism if it is immersed in water of reference 4/3. So we will solve these questions with the help of this minimum deviation condition. Minimum deviation condition को use करके हम ये questions निकालते हैं, इस तरह से हमारा ये question complete होता है। और आज हमने कुछ important question किए हैं जिसमें कि two step way हमने use किया है, और उन two steps को use करके हमने इन question को निकाला है विद द हेल्प ऑफ मिनिमम डेविएशन कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस कंडीशन। तो हमने 3-4 क्वेश्चन किए आज जिसमें कि हमने प्रिज्म में देखा कि रेगुलर प्रिज्म हो या इक्विलेटरल प्रिज्म हो तो एंगल ए क्या होता है, ठीक है, डेल्टा कैसे निकलता है, डेलम कैसे निकलता है, और डेलम की वैल्यू, और एक क्वेश्चन हमने किया था कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर कैसे निकालते हैं, वो हमने देखा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को ईजिली निकाल सकते हो, सो प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस दिस न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म के लिए आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और इन क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद देन वी विल डिस्कस द योर क्वेरीज, और आप नेट से भी क्वेश्चन निकालिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर क्वेश्चन सबसे हो रहे हैं इट मीन सब कुछ चीजें आपको समझ आ रही है, अदरवाइज देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर कॉन्सेप्ट और विद योर अंडरस्टैंडिंग, सो ट्राई टू सॉल्व दिस। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम, एंड थैंक यू सो मच।